नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदामा वर्मा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टीवी। साथियों, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे देश भारत के मध्य में स्थित छत्तीसगढ़ को यूं ही धान का कटोरा नहीं कहा जाता। हमारे भुइयां के भगवान, हमारे अन्नदाता किसान अपने खून पसीने से, अपने अथक परिश्रम से धान की अधिक से अधिक उपज लेकर छत्तीसगढ़ रूपी कटोरा को छलका देते हैं। आज हम एक ऐसे ही अन्नदाता से मुलाकात करने आए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी सूझबूझ से, और सबसे मजे की बात यह है कि देसी किस्म के धान, जी हाँ साथियों, देसी किस्म के अपने घर के बीज से ही खेती करके 32 से 33 क्विंटल तक का रिकॉर्ड उत्पादन लिए हैं। और इस उपज को लेकर भी वो अभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। वो इस उपज को और बढ़ाने में लगे हुए हैं, और साथ ही साथ उपज को बढ़ाने में ही नहीं, खर्च को घटाने में भी प्रयासरत हैं। तो आइए अपन इसी कड़ी में मुलाकात करते हैं आज के हमारे अन्नदाता भाई भुवन वर्मा जी से। भुवन वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप मन के हमारे छत्तीसगढ़ टीवी में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आओ इधर से जी। आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो वर्मा जी, आप अभी तक धान की खेती में एक एकड़ में अधिक से अधिक उत्पादन कतका ले? मैं धान की खेती में देसी धान है, सबसे अधिक उत्पादन यहाँ 32 क्विंटल तक ले एक एकड़ में। अच्छा, चलो बहुत बहुत बधाई भाई। एक एकड़ में देसी धान से आप मन 32 क्विंटल तक के उपज ले हो, तो आप मन है जो बीज उपयोग करते हो वो घर के देसी बीज हरे कि हाइब्रिड बीज हरे? नहीं, घर के देसी बीज है। अच्छा, हाइब्रिड बीज उपयोग करना ठीक नहीं लगे, काबर देख चुके हूँ मैं देसी इतना उत्पादन हाइब्रिड नहीं दे। नहीं दे, और में लागत एकड़ से 25% एक्स्ट्रा आते है। अच्छा, तो आप मन है रोपा विधि से खेती करत हो कि अपन देसी बोता विधि है कि उनारी विधि है, कौन कौन तरीका से आप मन खेती करत हो? मैं इसमें तीनों विधि से खेती करता हूँ। अच्छा, रोपा ज्यादा लगाता हूँ जी, ज्यादा, और जो मैं साधन के थोड़ा दूर होते या फिर मजदूर वगैरह कमी होते जी, वो मैं बोता भी कर देता हूँ और उनारी भी कर देता हूँ। यहू साल है। अच्छा, थोड़ा से बोता है और 1.25 एकड़ में उनारी है और बाकी 8 एकड़ में रोपा है। अच्छा, तो भैया आप मन जिसे रोपा लगाए बर धान के नर्सरी डालते हो, तो वो धान के नर्सरी के तैयारी आप मन कैसे करते हो, ओकर बारे में थोड़ा से विस्तार पूर्वक हमारे किसान मन ले जानकारी देवो। नर्सरी लगाथन वो खेत में सबसे पहले तो हम गर्मी में पानी चला देते हैं। अच्छा, ताकि वो में बन है और धान के जो पुराना धान है वो जग जाए, अगले साल बार वहा परेशान मत करे। जी जी, जो हम डालबो में परेशानी मत करे, एक से वो पहले पानी चला देते हैं। अच्छा, एक महीना पहले, फिर जून में हम डालथन नर्सरी। अच्छा, धान के बीज छिड़कथन ओमे डीएपी पहले डालथन, डीएपी और धान के बीज वाला छिड़क देते। अच्छा, 6 से 7 किलो एक एकड़ के हिसाब से छिड़क देता। अच्छा, और फिर हमें खरपतवार नियंत्रण बार साथ ही डाल देता रैतिक साथ, फिर हम पानी चला था। अच्छा, और फिर धीरे धीरे चला था ना, वो कर बाद उसमें उमें का हुई से 14 से 15 दिन बाद हमें फंगीसाइड चला देता कोराइजन के साथ। अच्छा, फिर रोपा का लगाना है जस्ट 1-2 दिन पहले उमें कोराइजन छिट दे ताकि तना छिदक के नियंत्रण लंबे समय तक हो सके। अच्छा, तो नर्सरी में ही आप मन है कोराजन डालते हो? हाँ, नर्सरी में, नर्सरी बचाए के लिए, वो थोड़ा ट्रांसप्लांट के समय बार वो काम आते हैं। अच्छा, वो 15-20 दिन तो ट्रांसप्लांट के बाद। एक मिनट भैया, आप मन जिसे बताओ कि एक एकड़ के लिए 7 से 8 क्विंटल बोले हो, सॉरी 7 से 8 किलो बोले हो धान है ना, तो ये देसी धान के बीजा आप 7-8 किलो एक एकड़ के लिए डालते हो? हाँ, डालथन तो, परंतु लगे उतना नहीं, 3 से 4 किलो ही पर्याप्त है। देसी धान के सिर्फ 4 किलो बीज ही पूरा एक एकड़ के लिए हो जाते? वो पर्याप्त है एक एकड़ के लिए। अरे वाह, क्या बात है भाई, ये तो मैं मतलब समझ जाओ, मेरे लिए तो बिल्कुल नया अनुभव है भैया ये, क्योंकि अभी तक मैं बहुत ज्यादा सुना था एक एकड़ के लिए, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर कि चलो कम से कम आप हाइब्रिड से भी मतलब कम बीज से कहना चाहिए एक एकड़ की खेती कर रहे हैं। तो ये तो हुआ भैया नर्सरी, और नर्सरी के कहना चाहिए देखभाल प्रबंधन है ना। अब ओकर बाद में अब अपन नर्सरी ला कहना चाहिए खेत में अपन रोपाई करथन, तो रोपाई करे के समय जिसे अपन लई मताथन
या आप मन जो भी बोलत हो तो वो समय आप मन है खाद के कौन कौन से मात्रा देता हो और का खातु चलाता हो एक बारे में थोड़ा जानकारी दो। पौधा ट्रांसप्लांट के समय उसमें सबसे पहले तो 75 किलो डीएपी डालता हूँ जी, 15 से 20 किलो पोटास। अच्छा, उतना बस डालू पर अगर ट्रांसप्लांट करना है। अच्छा, ट्रैक्टर से मताता हूँ, अच्छा से मताई अच्छा से होना चाहिए ताकि बन वन भी मत रहा है जी, और जितना माथी खेत है उतना अच्छा धान ग्रो करी जड़। अच्छा, और रोपाई लगाई समय सिर्फ उतना है, पर्याप्त है। सिर्फ दो प्रकार के खाद? सिर्फ दो प्रकार के खाद। एक बताओ आप 75 किलो डीएपी और 15 किलो पोटास। 15 किलो पोटास एक एकड़ में? एक एकड़। और एक साथ में कोई भी सूक्ष्म पोषक तत्व वगैरह? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं डाला। अच्छा, तो ये खाद के जैन और अन्य डोज है ना, ओला आप कब कब डालते हो? खाद के अन्य डोज है फटेरा के साथ में डालता हूँ 15 से 20 दिन बाद रोपाई के। अच्छा, रोपाई के 20 दिन बाद? रोपाई के 20 दिन। 40 किलो यूरिया। अच्छा, और मैं सल्फर डालता हूँ 3 किलो जी, 5 किलो जिंक जी, बस इतना है, पर्याप्त है। और 4 किलो फटेरा। 4 किलो फटेरा पर्याप्त है इतना। रोपाई के 20 दिन? रोपाई से 20 से 30 दिन के 20 से 30 दिन के बाद। अभी मौसम भी देख के डाले पड़ते जी जी, पानी भी रोकना भी है, हाँ। है धूप वगैरह सब चीज है। अच्छा, ये सब चीज मौसम सबसे मेन चीज तो मौसम है, आप लोग मौसम के अनुसार से खेती करे पड़ी जी जी। ज्यादा धूप में अगर आप डालत हो हाँ, तो वो भी नुकसान है आपके ही। अच्छा, तो हाँ। ये तो हो गया भैया दूसरा खाद है ना, अपन एक समय जब रोपाई करें वो समय लगाएं, ओकर बाद 20 से 30 दिन के बीच में डालें, ओकर बाद और खाद के कतका मात्रा कौन समय में डालते हो, कौन स्टेज में डालते हो आप मन? लास्ट खाद डालना है सिर्फ यूरिया डालना है। अच्छा, 15 से 20 या फिर 25 किलो आप जितना छिड़क सको उस समय, क्या धान बड़े रहते जी जी, उस समय आप 15 किलो लेकर अगर छिड़को बोलो 15 किलो तो इसे पर्याप्त रहते, बट छिड़के पर जाओ नहीं छिड़क पाओ जी जी, क्या हम हाथ में छिड़ते हाँ, नहीं छिड़क ओकर कारण 20 से 25 किलो पर्याप्त छिड़का जाते एक एकड़ में। एक एकड़ में उतना पर्याप्त यूरिया जिस समय पोटराने का अवस्था, पोटराय का अवस्था है। अच्छा अच्छा, मतलब पोटराय के अवस्था में ही अंतिम खाद सिर्फ यूरिया देना है? सिर्फ यूरिया। अच्छा, और चाहते हो तो आप पोटास डाल सकते हो। और मैं तो थोड़ा बहुत में डालता हूँ, डेमो के लिए डालता हूँ मैं जी, जी। जगह जिम कते रिजल्ट कते अच्छा है, पिछला साल डाले रहो उमें भी उतने दिखी रिजल्ट, इस बार नहीं दिखी। अच्छा, नहीं डाले रहो पोटास उमें भी उतने दिखी। अच्छा, एक बहुत अच्छा बात आपके बारे में पता चले भैया कि आपके खेत में जो बीमारी होते जन औ आम खेत में होते, हमरो खेत में भी होते, सीड ब्लाइट हो गए, ब्लास्ट वगैरह हो गए, महूक समस्या है, तना छेदक है, तो ये जिन बीमारी है आपके खेत में नहीं के बराबर लगती से सुने हैं, तो एकर बारे में बताओ कि आप बीमारी के रोकथाम कैसे करते हो, आप बीमारी लगने नहीं दो अपन खेत में, तो एकर राज का है? एकर राज सिर्फ यही कि पौधा बहुत दूर में लगता है। अच्छा, पौधा बीमारी भी जब टकराही पौधा से पौधा, तब एक पौधा से दूसरे पौधा पत्ता के जरिए जाएगी जी जी, कि माहौल आप जानते हो जितना घन रही हाँ, छाया नहीं पड़ी, छाया नहीं पड़ी तो अच्छा, मतलब छाया धूप नहीं पड़ी तब उसमें ज्यादा संभावना। ये में क्या है पूरा नीचे तक के आप देख सकते हो, बहुत धान दूर दूर में एक एक फीट में है जी जी, नीचे तक के पूरा धूप पड़ते। अच्छा, नीचे तक के धूप पड़े के कारण पौधा एक दूसरे से भी बहुत कम टकराते, बीमारी होते खेत में होते परंतु फैल नहीं पाए। अच्छा, सिर्फ एक्स्ट्रा फैल नहीं पाए, जितना होते सिमट कर जाते। अच्छा अच्छा, माहू तो धूप के कारण नहीं हो पाए, और तना छेदक पर तो मैं कोराइजन चलाता हूँ। अच्छा अच्छा, कोराइजन के अलावा मैं बाकी नहीं चला, और कोराइजन में भी बहुत सारा डुप्लीकेट है, पिछला बार जो ग्रीष्मकालीन लगा रहा हूँ उसमें एक बार मोला डुप्लीकेट कोराइजन मिल रही। अच्छा, मतलब कोई रिजल्ट नहीं पता, कोराइजन लेना है तो उसमें भी थोड़ा सा सावचेत होकर लेना है, बहुत सावचेत है, और बिल के साथ लो ओरिजिनल। अच्छा, वो सबसे अच्छा है। तो आप मन जिसे अगर कोई छोटा हल्का फुल्का अगर कहीं बीमारी लग जाते, वैसे तो आप दूरी दूरी में लगावत हो तो बीमारी नहीं लगाए, लेकिन अगर कहीं थोड़ा बहुत अगर शिकायत है तो एकर रोकथाम पर आप दवाई चलाते हो कि ओला ऐसे ही छोड़ देते हो? नहीं, ऐसे तो छोड़ तो नहीं सको, बट निगरानी बराबर रखता, अगर वो बढ़ाते तब तो चलाना है, नहीं बढ़ाते तो कोई मतलब नहीं। अच्छा, चलाए से जबरदस्ती दवाई खर्च करे से कोई मतलब नहीं। अच्छा अच्छा, वैसे में तो देखे हो कि बहुत कम बढ़ते। अच्छा, कोई कोई खेत में लग जाते हाँ, वो नहीं बता रही। अच्छा, तो अब बताओ भैया, ये तो खातु माटी की बात हो गई, दवाई की बात हो गई, अब एमे आप मन है बन बद्दो जिन हम खरपतवार की थन ओकर नियंत्रण कैसे करते हो? खरपतवार तो रोपक समय में है डालते हूँ साथी जी, लगभग 2 पैकेट साथी 80-80 ग्राम का थे। तो ये साथी का हाथ वो खरपतवार नाशक चीज है? खरपतवार नियंत्रक है, नाशक नहीं, नियंत्रक। नियंत्रक है मतलब ये उगने नहीं दे। अच्छा, नाशक उगे के बाद खत्म करे, खत्म करते, ये उगने नहीं दे, उगेल खत्म नहीं करे और नया उगन नहीं, उगन नहीं दे। अच्छा, तो आप नियंत्रक, खरपतवार नियंत्रण यूज करते? अच्छा अच्छा, मेड़ में डालता हूँ खरपतवार नाशक, मतलब सफाया डालता हूँ मेड़ के पास में किनारे में, ताकि वो धान ला, मतलब हाँ हाँ, मतलब धान तक के वो बन बद्दो मत जाए।
और मेड़ के कीड़ा नीचे मत उतरे मत उतरे। तो आप बीच में फिर निंदाई गुड़ाई वगैरह को कोई काम हो भी नहीं करे? नहीं नहीं होते लगते भाई। अच्छा एक बार लगते, बहुत बहुत नहीं बता लगते। नहीं बराबर। तो के बार करते हो आप बन के जो निंदाई हो गया? निंदाई एक बार लगते हो कर? सिर्फ एक बार बस। सिर्फ एक बार। अच्छा वो कर उत्का में कहना चाहिए पूरा बाली निकल के पक जाते? बाली निकल के पक जाते, थोड़ा बहुत एक दो ठो जो करगर थे धान के बोला फिर बाद में खनने लग जाते। बहुत करगा बाले निकले के बाद समझ जाते कतनो कन्हा। जी जी बोला निकले बाद फिर भी क्या धान थोड़ा बहुत नियंत्रण करे चले, आप क्लियर नहीं छोड़ सको। हाँ कि एक बार नींद के आगो तब नहीं जाओ इसे नहीं हो सके। अच्छा आपने जायल पड़ी थोड़ा थोड़ा। जी भैया अब एक अहम सवाल पूछा था मैं आप लोग, जिनमें बहुत किसान मार खा जाते, मैं भी एक किसान हूँ महू मार खा जाता हूँ मैं, जैसे हमार धान के बाली निकलत है या पोटरावत है पोटराए बाद है ना, तो बाली निकले के कुछ दिन पहले और बाली निकले के बाद तक ये अवस्था होते बचाए के किसान मल्ला धान से है ना धान लापन, तो ये अवस्था में बचाना बहुत जरूरी थे और हमन यही अवस्था में कई बार चूक जतन, तो ये समय में आप मन कैसे ढंग से रोकथाम करते हो बीमारी के और अपन धान ला कैसे सुरक्षित करते हो? वैसे तो मोर खेत में उतना ज्यादा बीमारी नहीं है, कीट और बीमारी प्रकोप बहुत कम होते हैं जी दूर दूर के कारण, फिर भी मैं हाँ जब यूरिया चलाता हूँ लास्ट यूरिया हाँ। जस्ट एक हफ्ता बाद मैं चलाता हूँ कोराइजन और एक बार माहू कंट्रोल के लिए माहू के दवाई चला देता हूँ, ट्रम चलाता हूँ माहू के। अच्छा। महिंद्रा के हाँ। ट्रम चलाता हूँ या फिर ओसिन चला देता हूँ तो उसका में एक रोकथाम हो जाता है। हाँ, फेट थोड़ा थोड़ा एसी फेट डाल के उतना वो रोकथाम हो जाते। अच्छा। पिछला बार तो कुछ भी नहीं चला रहा, पूरा क्लियर धान हो गए बिना दवाई चलाए? नहीं नहीं चलाओ लास्ट ओकर बाद नहीं चलाओ। अच्छा। मतलब बाली निकले के बाद स्प्रेयर चलाया नहीं पड़ा। अच्छा 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 बाली निकले के बाद में नहीं चला नहीं चलाओ और अच्छा। बाकी जो चलाया है जो हाइब्रिड बोरिस हूँ 3 से 4 बार चलाया है। हाँ जी जी सही बात है, परंतु मुला ये नहीं लगी एक कारण मोर खर्च बहुत कम हो और उत्पादन मस्त है 30 क्विंटल उत्पादन। आप का फर्क महसूस करते हो भैया हाइब्रिड धान में और अपन घर के देसी बीजा में? देख हाइब्रिड तो सबसे पहले नियंत्रण मुला आए ना। अच्छा कैसे करना है का करना है ठीक आए ना, मैं यहाँ पहली बोल रहा हूँ हाइब्रिड जे समय में हाइब्रिड वो 24 क्विंटल हाइब्रिड आए हाँ। वो समय 32 क्विंटल सब मासरी है जो वो क्या बात है। उकर बाद में हाँ हाइब्रिड थोड़ा सा कम करो फिर 84-33 के गुणगान सुने हाँ। नहीं लगे नहीं जी लगे जी नहीं लगे जी ओला वो तो ओला बोहो तो 27 क्विंटल है और उकर बगल में ये धान लबो ये 28 क्विंटल देसी धान देसी धान देसी सरना 28 क्विंटल वाह क्या बात है। और वो हाइब्रिड में जो 84-33 लगा उसमें एक बार फंगीसाइड चलाऊ एक्स्ट्रा माइटीसाइड चलाऊ और एक तो अगर बिजल में ले रहा हूँ 1850 रूपए में एक्स्ट्रा ओहो मतलब 4,500 से 5,000 रूपए एक्स्ट्रा 25% एक्स्ट्रा लागत लगे हाँ। और उत्पादन भी क्विंटल दो क्विंटल कम उत्पादन 1 क्विंटल कम है। अरे ये तो मतलब बहुत दुखदाई बात है कि मतलब ये है कि हमारे जो देसी धान होते ये देसी धान के रोग प्रतिकारक जो क्षमता है रोग से लड़के वो बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा इसमें बहुत कम ब्लास्ट व्लास्ट लगते हैं। आप लोग बताओ नर्सरी में चला देता हूँ तो मतलब नहीं किसको बताओ। अच्छा तो भैया वो कारण से मैं यहाँ हाइब्रिड छोड़ ही दूँ बोला। अच्छा चलो बढ़िया है ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप मन हमारे देसी धान से खेती करत हो। तो अभी हम आपके धान ला देखा था फसल ला देखा था तो इमे तो बहुत पेड़ा है के कहना चाहिए पौधा है तो इमे आप मन है अधिकतम एक पौधा है कतेक तक के मतलब कंसय मिले है आप मन गिने हो इसे कुछ अंदाजा है कर? 50 से 55 कंसय तक के। अच्छा अधिकतम अधिकतम तो अगर हम एक एवरेज निकालन है ना 40-50 या 100 पेड़ लग गिन के ताकि एक पूरा खेत के लिए अपन एक एवरेज समझ में आ जाए तो प्रति पौधा कंसा कतेक तक के है आपके खेत में? प्रति पौधा 20 से 22 कंसा है। अरे वाह क्या बात है। एवरेज आप निकालो कोई 10 भी है कोई 5 भी है कोई 50 भी है। जी जी कोई मतलब एक एवरेज में एवरेज आप निकालो 100-100 पौधा अगर 500 पौधा गिन 500 पौधा औसत लगा दो तो बराबर 20 से 22। जी 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 चलो ये तो बहुत अच्छा बात है भैया बहुत खुशी होता आपके फसल देख के और आप मन बहुत सुंदर जानकारी देव हमला अपन अपना कीमती समय निकाल के ओकर लिए हम छत्तीसगढ़ टीवी कोर से आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद देथन और उम्मीद करत हन कि आपके पिछला बार के जो 32 क्विंटल के जो रिकॉर्ड है ओला आप तोड़ के दरी 35 क्विंटल तक के उत्पादन लेवाओ तो यही शुभकामना के साथ में हम मन आप मन से विदा लेवत हन। धन्यवाद जय जोहर जय छत्तीसगढ़।